रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल फिजिक्स एंड मैथ। चैप्टर नंबर 1, 10th फिजिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉल एंड बाउल मोशन। स्प्रिंग मास सिस्टम हमने पिछले टॉपिक में क्लियर कर लिया था, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये पिछले साल जो 2020 में जो भी पेपर हुए हैं उसमें बॉल एंड बाउल मोशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, बॉल एंड बाउल मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कैसे बनती है, और इसमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भी या नहीं। एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम दोबारा डिफाइन करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो मीन पोजिशन के टू एंड फ्रो मूव करती है। तो अपनी मोशन को बार बार दोहराती है वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द, तो ये बनती है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। चले आज हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड बाउल मोशन को, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो हमारा टॉपिक है आज का बॉल एंड बाउल मोशन। क्वेश्चन ये आएगा, प्रूव दैट बॉल एंड बाउल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसकी फिगर बनाएंगे, तो उससे हमें आसानी से समझ आती है कि एक बाउल है और जिसे हम उर्दू में प्याला कहते हैं। तो इसमें हम एक बॉल को यहाँ पर रखें, एक हमने बॉल ली उसको यहाँ पर रखा, इसका मास एम है हमारे पास। तो जब यहाँ पर इसका जो मास होगा, इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, बाल का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और जो सरफेस का रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वेट और रिएक्शन जो है ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी और जो बाल है वो रेस्ट में होगी। तो यहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो बाल जो है वो रेस्ट में है। और अगर हम इस बाल को वस्ती पोजीशन, जिसे हम ओ का नाम दे देते हैं मीन पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई पोजीशन ए पर ले जाते हैं, जब हम इसको इंतहाई पोजीशन ए पर ले जाते हैं तो क्या होता है, इसका जो वेट है वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और बाल को मूव करवाता है ओ की तरफ, वस्ती पोजीशन ओ की तरफ। तो इनर्शिया की वजह से यहां पर नहीं रुकेगा, बल्कि ये अनदर इंतहाई पोजीशन जो हमारे पास दूसरी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, उस तरफ ये बी जिसे हम कह देते हैं उस तरफ मूव करेगा। तो यहां पर फिर दोबारा वो ओ की तरफ जाएगा और फिर ओ से दोबारा फिर ए की तरफ जाएगा। अब ये ऐसे क्यों होता है, एक तो हमने पढ़ा कि यहां पर वो इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं है, और फिर वो आगे क्यों चला जाता है, असल में जब बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, तो जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाता है, और बी पोजीशन पर जाकर जो एक्सट्रीम पोजीशन है, हाई पोजीशन है, वहां पर जब जाता है तो उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। तो ये तो हमने पिछले भी स्प्रिंग मास सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आती है तो जीरो हो जाती है स्पीड, और जब वो मीन पोजीशन पर आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब फिर वो आगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड फिर डिक्रीज हो जाती है। चलें तो ये कुछ बातें हैं जो आपने इसमें लिखनी है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ बॉल, तो हम पहले लिखेंगे बॉल एंड बाउल सिस्टम एन अदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बॉल एंड बाउल सिस्टम इज एन अदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारे पास बॉल एंड बाउल मोशन जो है एक और एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कंसीडर, हम फर्स्ट करेंगे हमारे पास एक बॉल है, कंसीडर अ बॉल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड इन अ बाउल एट मीन पोजीशन ओ। इन अ बॉल, a bowl at mean position O। हमने फर्ज किया हमारे पास एक बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ये भी लिख सकते हैं, या बॉल कंसीडर करते हैं, उसका मास m है और वो वस्ती पोजीशन पर बाउल के अंदर पड़ी हुई है O पर।
उसके बाद यहां पर अमल करने वाली जो फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि बाल का वजन और सतह का जो रिएक्शन है वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एट मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन पर अमल करने वाली फोर्स सिफर होगी। एट मीन पोजीशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बाल इज जीरो बिकॉज वेट ऑफ बाल एंड रिएक्शन ऑफ द सर्फेस आर कैंसल इच अदर। वेट ऑफ बाल एंड रिएक्शन ऑफ बाउल सर्फेस आर कैंसल इच अदर। सो when we bring the ball to extreme position A, when we bring the ball at extreme position A, the weight of ball act vertically downward. The weight of ball acting vertically downward. The weight of ball act vertically downward and act as a restoring force. And act as restoring force due to restoring force, ball moves toward mean position O. Due to restoring force, ball moves toward mean position O. Ball moves toward mean position O. Due to inertia. ओके हम यहां पर कहेंगे कि इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की तरह अमल करेगा और इसको मूव करवाएगा, इसको हरकत करेगा, ये हरकत करेगा किसकी तरफ, वस्ती पोजीशन ओ की तरफ, और इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। और जिसम इनर्शिया की वजह से वस्ती द हाई पोजीशन बी की तरफ हरकत करेगा, एंड ड्यू टू इनर्शिया बॉल मूव्स टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी, मूव्स टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी। And its speed decreases and zero becomes at B. इनर्शिया की वजह से यहां पर रुकने की बजाय आएगा एक्सट्रीम पोजीशन इन हाई पोजीशन बी की तरफ, और फिर ये यहां पर इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और बी पर हाई पोजीशन बी पर जब आएगा इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, और फिर अगेन ये दोबारा फिर बी से वस्ती पोजीशन ओ की तरफ हरकत करेगा, फिर ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर चला जाएगा, एंड बाल अगेन मूव्स टुवर्ड मीन पोजीशन O and then back to A from mean position O. ये हमारे पास ball and bowl motion। आप देख रहे हैं इस discussion से हमें पता चलता है कि ball जो है वो अपनी mean position से
टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, यही बातें थी इसमें जो हमने डिस्कस करनी थी। ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, इसमें यही बातें थी जो हमने डिस्कस करनी थी कि बाल एंड बाउल मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह होती है। हम देखते हैं कि बाल जो है जब ओ पर होती है तो इस पर इसका वेट और रिएक्शन जो है सरफेस का वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और जब हम उसको ए पर लेके आते हैं, व्हेन वी ब्रिंग द बॉल टूवर्ड ए एंड देन रिलीज, देन वी रिलीज द बॉल देन मूव टूवर्ड मीन पोजिशन ओ एंड देन अगेन एंड ड्यू टू इनर्शिया इट्स मूव टूवर्ड एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड स्टॉप्स एट बी। व्हेन अ बॉल मूव्स फ्रॉम ए टू ओ इट्स स्पीड इंक्रीजेस एंड देन From O to B, its speed decreases, and again it moves from B to O and O to A. It performs oscillatory motion that is called simple harmonic motion. तो ये और बाल जो है वो अपनी motion को इस तरह continue रखेगा, और ये एक example है simple harmonic motion की। चले इसके बाद हमारा next topic है motion of simple pendulum. ये हमारा last topic है motion of simple pendulum. मोशन ऑफ सिंपल पेंडोलम जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, और इसमें हम आज सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह अपनी ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और जो सिंपल पेंडोलम है, आपने सिंपल पेंडोलम के क्लॉक भी देखे होंगे, ये बिल्कुल वही पेंडोलम है, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कैसे आती है आज हम ये सीखेंगे। हमने बाउल मोशन में देखा कि उसका जो वेट है वही असल में इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन और स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर हो जाती है, लेकिन सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स कैसे आती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका लॉन्ग इस तरह आएगा कि प्रूव दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं, तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। कंसीडर अ बॉब ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड सस्पेंडेड एंड हैंग्ड विद अ स्ट्रिंग। ओके, इसको कंसीडर करेंगे, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सादा भारी गोली है जिसका मास m है, और उसको हमने एक रस्सी के साथ अमूदन लटका दिया है जिसकी लेंथ L है, तो और एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं, एंड फिक्स एट वन एंड, ये हमने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर वही बात करेंगे, जो वेट ऑफ मास होगा mg w वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और टेंशन T जो स्ट्रिंग में होगी, टेंशन T टेंशन जो है एक फोर्स होती है, तो टेंशन T जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, और जो मास है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट फोर्स जीरो होगी, और बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पर रेस्ट में होगी। तो हम यहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि मीन पोजीशन पर हमेशा बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, और यहाँ पर वेट और टेंशन टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बॉडी रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो है। तो जब हम बॉल को मूव करवाते हैं टूअर्ड एक्सट्रीम पोजिशन बी, जब हम when we bring the ball bob at extreme position A, then फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन T जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग होगी, रस्सी की तरफ होगी, और सबसे अहम बात है वो ये है कि जो वेट है वो अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक आपके पास अगर हम f को ले लें तो f cos of theta और f sin of theta, that is fx and fy। तो यहाँ पर भी वेट जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, जो कि हमारे पास mg cos of theta बनेगा और mg sin theta बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा mg cos theta और ये हमारे पास बन जाएगा mg sin theta। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब देखें mg cos theta और टेंशन टी जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एम जी कॉस थीटा और टेंशन टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पर
फोर्स एक्ट नहीं करेगी, लेकिन अब एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं है, तो एम जी साइन थीटा जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा और इसको मूव करवाएगा टूवर्ड मीन पोजिशन ओ। और फिर वही बात कि जब मीन पोजिशन की तरफ हरकत करेगा स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और अनर्शिया की वजह से बॉडी यहाँ पर रुकने की बजाय वो एक्सट्रीम पोजिशन बी की तरफ मूव करेगी, और जब बी पोजिशन की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और बी पोजीशन पर जब पहुंच जाएगा तब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। जब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी फिर वो दोबारा ओ की तरफ मूव करेगा और फिर ओ से ए की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। देखिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जब यहाँ पर ए पर पहुंचेगा तो वेट जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा टी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एम जी साइन थीटा वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये मूव करेगा टूवर्ड ओ। तो यहाँ पर इनर्शिया की वजह से ये नहीं रुक पाएगा बल्कि ये एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा और फिर यहाँ पर अगेन ये अपने दो कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व हो जाएगा और फिर जब यहाँ पर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी तो दोबारा फिर ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और इसकी तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर फिर इनर्शिया की वजह से रुकने की बजाय दोबारा ए पर आ जाएगा। तो ये देखें, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक बॉडी टू एंड फ्रो जो है आगे और पीछे व्यवस्थित पोजीशन के अपनी हरकत को बार बार दोहराएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फिर इसी तरह क्या चलता ही रहेगा, क्या ये टू एंड फ्रो मोशन को अपना जारी रखेगा? नहीं, तो फ्रिक्शन की वजह से इसकी एनर्जी कम से कम होती जाएगी और आखिरकार फिर ये दोबारा स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं, कंसीडर सिंपल हार्मोनिक मोशन को, कंसीडर a ball of mass m, consider a ball of mass m is attached to a string। अब ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक सस्पेंड की जाती है एक लाइट स्ट्रिंग के साथ जिसकी लेंथ अलग है। हम लिखते हैं a ball of mass is suspended with a light string of length L। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, जब इसको यहां पर और इसका वन एंड जो है वो फिक्स कर देंगे, एंड वन एंड इज फिक्स्ड, ये दूसरा जो एंड होगा वो हम फिक्स कर देंगे जिसे हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सिंपल अपनी वर्डिंग में डिफाइन करेंगे, एट मीन पोजिशन ओ, एट जब बॉडी अपनी मीन वस्ती पोजीशन पर होगी तो नेट फोर्स जीरो होगी, एट मीन पोजीशन ओ द नेट फोर्स इज जीरो, एट मीन पोजीशन ओ द नेट फोर्स इज जीरो बिकॉज टेंशन टी एंड वेट mg cancel each other, each other effect, असल में ये एक दूसरे को effect को cancel out कर रहे होते हैं, जो tension T की force mg जो weight की force है ये दोनों एक दूसरे को cancel out करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये एक दूसरे के असर को cancel out कर देते हैं। उसके बाद ये हो गया, अब फिर हम बात करेंगे when we bring the ball at extreme position A, जब हम बॉल को बस इंतहाई पोजीशन ए पर ले जाएंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन ओ सॉरी ए, देन द वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, द वेट एम जी एक्ट वर्टिकली downward and tension is along the string, tension is along string, weight is resolved into two components mg cos theta mg sin theta। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, otherwise आप सिंपल कहें कि mg cos theta and tension t are cancel each other and mg sin theta provides necessary restoring force, okay, mg cos theta and tension
टी कैंसल ईच अदर, अफेक्ट एम जी साइन थीटा प्रोवाइड नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स. अब उसके बाद हम बात करेंगे एम जी साइन थीटा जो है वो नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और बॉडी जो है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगी. बॉडी मूव्स टूवर्ड मीन पोजीशन ओ. इट्स स्पीड इंक्रीजेस. Its speed increases and due to inertia it moves toward extreme position B. So at speed is 0 at B. Speed is 0 at B. उसके बाद हम यही कहेंगे दोबारा वो बात कि फिर वो दोबारा B से O की तरफ हरकत करेगा और O से A पर वापस चला जाएगा. Again, body moves toward O and then back toward A. ये हमारे पास इसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है. अब हम बात करेंगे कि जब वो अगेन A पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा. फिर वो दोबारा एम जी साइन थीटा इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा. फिर वो O की तरफ आएगा, फिर B की तरफ, फिर B से O की तरफ, फिर O से A की तरफ. तो अब होगा क्या कि हमें यहाँ से क्लियर हो चुका है कि ये जो बॉडी है वो ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है. तो अब हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे और टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का हम यहाँ पर लिखेंगे. द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, ये इसकी टोटल थ्योरी है, ये आप लिखें. चलें जी, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी. मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में कि जो हमारे पास टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला है वो है टू इज इक्वल टू 2 पाई ओवर मैप. ये जनरल फार्मूला है और इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो अगर कोई वही सेम वही मेथड है जो हमने पिछले सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम में जो हमने तरीका डिफाइन किया था उसी तरह हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और ये फाइंड कर लेते हैं. अगर कोई अगर किसी को ये कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा ताकि मैं ये कैलकुलेशन सेंड कर दूँगा. चलें ठीक है, उसके बाद हमारे पास आखिर में हम बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आ जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स जो हैं वो आप बताएं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो चार इसके फीचर्स हैं तो बहुत ही सिंपल और इजी हैं, हम यहाँ से ही डिफाइन कर लेते हैं. पहला फीचर तो ये होगा कि अगर बॉडी अपनी मीन पोजिशन फिक्स पोजिशन के मतलब कि वाइब्रेट करती है. If a body vibrates about a fixed point that executing a simple harmonic motion, पहला पॉइंट ये आप सिंपल ये कहते हैं, if body perform oscillatory motion that is simple harmonic motion. If a body features हम लिखने लगे हैं इसके, सॉरी मैं लिख दूँ यहाँ पर features of simple harmonic motion. तो पहला फीचर है बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन
इफ इट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल ये लिखें, इफ इट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, इसका सेकंड फीचर ये होगा कि अगर जो उसका एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का ये फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ से हम देखें, इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दो फीचर हम यहाँ से लिख लेते हैं। पहला फीचर ये होगा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, जो एक्सेलरेशन की समत होती है वो हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। चलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन से हम लिखते हैं, acceleration is always directed toward the mean position, acceleration की जो समत है वो हमेशा mean position की तरफ होगी। ये आप simple pendulum को जब define कर रहे होंगे या explain कर रहे होंगे ये उसमें लिख सकते हैं आप। चले उसके बाद एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन इज जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के वस्ती पोजीशन की तरफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement from the mean position। और इसका जो लास्ट है वो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास बाल की जो स्पीड होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है और मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। मिनिमम होती है एक्सट्रीम इंतहाई पोजीशन पर और मीन पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा होती है। तो हम यहां पर लिखते हैं, द स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, स्पीड इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन and maximum at mean position। ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान और इजी टॉपिक था आज का हमारा और ये अहम है। चल और इसके बाद वही मैं बात दोबारा एक बार फिर रिपीट करूँगा, मैंने उस दिन बता दिया था जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाती है तो आपको टाइम पीरियड लाजमी बताना पड़ेगा, आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में बताना पड़ेगा, आपको एम्पलीट्यूड के बारे में लाजमी बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताते तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए मैंने पहले लेसन में ये चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, तो मैं एक बार फिर ओवरव्यू दूंगा थोड़ा सा, आप उसको देख लें। टाइम पीरियड ये होता है एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए इसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और फ्रिक्वेंसी ये होता है कि एक सेकंड में उसने कितने चक्कर मुकम्मल किए हैं, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड जो होता है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक एक तरफ का फासला जो होता है, ज्यादा से ज्यादा फासला। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। इंशाल्लाह ताला कल हम अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जो साथ साथ में न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स आ जाती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे। और मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह ताला आप पढ़ें, और अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।